हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये समर का बहुत ही शानदार फ्लावर है और बहुत कम केयर में चलता है। इसका नाम है फोर ओ क्लाक, संध्या मालती या मीराबिलिस जालपा। ठीक है, इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसे एक बार लगाएंगे तो ये आपके घर में परमानेंट अपना घर बना लेगा और इसकी कोई देख रेख नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से लग जाता है और नेक्स्ट टू नील इसकी देख रेख है। ठीक है, और ये पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल मतलब कई साल तक, एक बार आप लगाएंगे कई साल तक चलता है। आप इसकी कटिंग कर दीजिए, अगले साल फिर से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ये बीजों से लगता है वैसे तो बेसिकली, है ना। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है और ये कई कलर्स में होता है। ये जो मैंने लगाया था ना, कई बार ना इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। इसको मैंने लगाया था ना तो ये डार्क पिंक का था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ब्रांच पे इसके ये डार्क पिंक फूल आए हुए हैं, बाकी इस पे सब ये पीच से कलर के हो गए। ये देखिए, ये पीच कलर के हो गए, इस पर थोड़ा और हल्का पीलेपन पे आ गया, इस पर थोड़ा शेडेड है। तो ये कलर भी चेंज कर लेते हैं। इन फूलों की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि ये शाम को खिलते हैं, सवेरे नहीं खिलते, शाम को खिलते हैं। इसीलिए इनका नाम संध्या मालती है या फोर ओ क्लाक है। ठीक है, तो आपको आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी शाम को बना रही हूँ तो यहाँ बच्चे बहुत खेल रहे हैं। इसके ब्लैक पेपर, काली मिर्च जैसे इसके बीज होते हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपने इसे बहुत देखा होगा रोड साइड लगा हुआ, है ना, लेकिन मैंने इसे घर में लगाया हुआ है, ज़मीन में लगाया हुआ है। ऐसे तो ज़मीन में यह हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाएंगे फिर तो आपको वेल ड्रेन सॉइल इसकी बनानी पड़ेगी। सॉइल वही रहेगी, कॉम्बिनेशन उसका वन पार्ट सैंड, वन पार्ट कंपोस्ट एंड वन पार्ट गार्डन सॉइल, है ना। और अगर आप इसे 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप इसे एक बार लगाएंगे तो ये सालों साल चलेगा। ठीक है ना, और इसके बीज काली मिर्च जैसे बन बन के अपने आप ना गिरते रहते हैं और तो वो जहाँ गिरते हैं वहीं उगाते हैं, तो ये इतना आसान है लगाना। मैंने इस प्लांट को सीड से ही लगाया था, मेरी किसी फ्रेंड के यहाँ लगा था तो मैं वहाँ से लेकर आई थी इसके सीड्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका लगाने का तरीका। और सेकेंड ये है कि इसको किसी तरह की खाद वाद की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा है, है ना। नहीं डालेंगे तो भी ये उसमें चलता रहेगा, खुश है। अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें एक महीने में एक बार एक मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए, सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है ना, आज बारिश हुई है ना तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, वो इसीलिए ना ये जल्दी खिल गया है। और मैं कई दिनों से वेट कर रही थी कि ये खिले तो मैं इसका वीडियो बनाऊं, लेकिन दिन में जितनी बार आती थी उतनी बार ना इसमें बंद रहती थी कलियाँ। तो ठीक है, ये हो गया इसकी। और प्लेसिंग इसकी मैं बताऊं आपको कि इसको आपको फुल सन में रखना है, ये जहां भी आप रखें फुल सन में रखिए। खिलेगा ये शाम को ही, फूल इसके शाम को ही खिलेंगे। बाकी इसमें पेस्ट वेस्ट भी इतने कोई खास लगते नहीं है। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है कि आप इसी कई कलर में होता है ये, जैसे डार्क पिंक, वाइट, पीच कलर, येलो कलर, और ऐसे मिक्स्ड भी हो जाते हैं बहुत आराम से, है ना। तो फूल शाम को ही खिलेगा इसका, तो आप इसे बड़े आराम से लगा सकते हैं इसको। ठीक है ना, और इसकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है, देखिए पूरा पेड़ ना झुका जा रहा है। और मैंने इसमें दो स्टेम डंडियाँ लगा रखी हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन वो अभी भी गिर रहा है और काफ़ी सारी ब्रांचेज इसके नीचे हैं, अभी फिर लगाती हूँ। और वो इतनी क्रिस्प ब्रांचेस है ना कि वो उठाने में ही पटक से टूट भी जाएंगी, है ना। तो अब मैं छूने में भी डर रही हूँ क्योंकि फ्लावरिंग हो रही है, तो अवॉइड कर रही हूँ कि भाई जैसे चल रहा है वैसे ही चला लो धीरे धीरे, ठीक है ना। और इसको पानी की इतनी खास वो नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट, आप एक दिन छोड़ के डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये समर का प्लांट है। ठीक है, तो ये आप, मैंने आपको इसका बता दिया, वाटरिंग, सॉइल मिक्सिंग, प्लेसिंग, फर्टिलाइज़र एंड पेस्ट। ठीक है, तो आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी तरह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।